जब ब्रॉडर मार्केट्स में भी मंदी का समय था तभी भी ये स्टॉक में ज्यादा कुछ प्राइस वाइज करेक्शंस नहीं हो रहे थे, और वो रिलेटिवली अच्छा स्ट्रेंथ उस टाइम पे भी ये स्टॉक ने दिखाया था। तो अभी भी आई थिंक ये स्टॉक में अपमूव कंटिन्यू रहेगा। सबसे बेहतर चीज ये ट्रेंड को राइड करने के लिए कि आप एक पर्टिकुलर सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रख दे, और जैसे प्राइस ऊपर जाता है आप अपने स्टॉप लॉस को फिर हायर लेवल्स पे ट्रेल करते रहे। सो फिलहाल शॉर्ट टर्म सपोर्ट अब 2900 पे फॉर्म हो गया है, तो किसी के पास जो भी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं 2900 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, ये ट्रेंड को राइड करने की सलाह है। ओके, और आपको इस मार्केट में आज